बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आज मैं बनाऊंगा सिर्फ 30 रुपए के आलू से बहुत ही मजेदार, यूनिक और डिफरेंट सी रेसिपी। इंशाल्लाह ताला जब आलू की ये रेसिपी बनाकर आप खाएंगे और घर वालों को खिलाएंगे, तो यकीन करें आप अपने आप से सवाल करेंगे कि काश आलू की ये रेसिपी हमने पहले बनाई होती। सिर्फ 30 रुपए के आलू से ऐसी रेसिपी आपको सिखाऊंगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। तो चलें जी, फटाफट से चलते हैं किचन में और बनाते हैं ये मजेदार सी टेस्टफुल आलू की बिल्कुल न्यू, यमी और यूनिक रेसिपी। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मजेदार सी आलू की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में तकरीबन आधा कप कुकिंग ऑयल लेंगे और साथ इसमें शामिल कर देंगे यहाँ पे तकरीबन आधा किलो आलू। आलू आपने छोटे साइज के लेने हैं, ये बेबी साइज के आलू हैं। इस रेसिपी में आपने बिल्कुल छोटे साइज के ही आलू इस्तेमाल करने हैं। यकीन करें ये रेसिपी इतनी मजेदार और डिफरेंट बनती है ना कि आप जब ये रेसिपी बनाकर खाएंगे और आप खुद से कहेंगे कि काश आज से पहले ये रेसिपी हमने बनाई होती। बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल न्यू और बिल्कुल सस्ती तरीन ये रेसिपी बनेगी। खाने वाला जनाब हैरान हो जाएगा कि आपने ये रेसिपी कैसे बनाई है, अब आपने क्या करना है। साथ इसके अंदर तकरीबन एक कप आपने पानी का शामिल कर देना है। ठंडा पानी लेंगे, नीचे आग का फ्लेम बिल्कुल लो टू मीडियम आपने रखना है। ये दोनों चीजें शामिल करने के बाद 6 से 7 टमाटर और 3 से 4 सब्ज मिर्चें आपने शामिल कर देनी है। टमाटर को आपने इस हिस्से से काट लेना है ताकि अच्छी तरह से इसका बाद में छिलका रिमूव हो सके। और ये देखें, सब्ज मिर्च को आपने कुछ इस तरह से काट लेना है। इन तमाम चीजों को शामिल करके आपने अच्छी तरह से ऑयल के अंदर, पानी के अंदर मिक्स कर देना है। जनाब हैरान, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल इसी तरीके से आपने रेसिपी को फॉलो करना है। इंशाल्लाह ताला आपको मजा आ जाएगा। मसालों में जस्ट यहाँ पे नमक शामिल करेंगे ताकि ऑयल के अंदर नमक शामिल हो जाए और सारी चीजों के अंदर नमक का जायका इक्वली आ जाए। बिल्कुल लो से फ्लेम पे अब आपने क्या करना है, इन तमाम चीजों को तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए पकाना है ताकि ऑयल के अंदर, पानी के अंदर आलू हमारे नरम और मुलायम हो जाए और टमाटर सॉफ्ट हो जाए। इसके ऊपर कवर लगा देते हैं ताकि ये जल्दी से गल जाए। चलें जी, 10 से 15 मिनट के बाद वाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह, जो टमाटर के पकने की खुशबू आई ना, यकीन करें लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। अब सबसे पहला काम आपने क्या करना है, चिमटे की मदद से, स्पैचुले की मदद से, जो भी चीज आसानी के साथ आपके घर में अवेलेबल हो, टमाटर के छिलके आपने रिमूव कर देने हैं। अच्छी तरह से टमाटर के छिलके देखें यहाँ पे नरम हो चुके हैं क्योंकि हमने यहाँ पे कवर लगा दिया था। सारे छिलके आपने आसानी के साथ ये चेक करें ऐसे रिमूव कर लेने हैं। ये चेक करें मक्खन की तरह नरम और मुलायम यहाँ पे टमाटर हमारे हो चुके हैं। ले जी, सारे छिलके हमने रिमूव कर लिए हैं। चम्मच की मदद से, स्पैचुले की मदद से आपने टमाटरों को ऐसे अच्छी तरह से मैश कर लेने हैं। ये चेक करें मक्खन की तरह नरम और मुलायम यहाँ पे हमारे टमाटर हो चुके हैं। चेक करें इनसे जो ग्रेवी बननी है ना, यकीन करें जब आपने रोटी का पहला नवाला इस रेसिपी के साथ खाना है तो आपके मुंह से निकलना है वाह सुभान अल्लाह क्या बात है। और आप अपने आप पे गिला करेंगे जनाब कि आज से पहले आपने ये रेसिपी क्यों नहीं बनाई, और आप फैमिली को बोलेंगे काश ये रेसिपी हमने पहले बनाई होती। सिर्फ टमाटर और आलू से ये रेसिपी इतनी मजेदार बनती है कि आप चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, बीफ कढ़ाई, यहाँ तक कि आप बाजार का खाना खाना भूल जाएंगे। अब आपने आग का फ्लेम हाई कर देना है, कवर ऊपर नहीं लगाना। अच्छी तरह से अब आलुओं की हम भुनाई करेंगे ताकि जो टमाटर हमारे गल गए हैं, मक्खन की तरह सॉफ्ट हो गए हैं, वो ग्रेवी में कन्वर्ट हो जाए। सिर्फ 2 मिनट के बाद चेक करें, टमाटर यहाँ पे मक्खन की तरह सॉफ्ट हो गए हैं और घुल मिल गए हैं। जनाब इतनी मजेदार खुशबू आ रही है ना कि चस्के आ रहे हैं जनाब इस रेसिपी के। इस रेसिपी को आपने मेरे कहने पे, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपने जरूर ट्राई करना है। स्पेशली गर्मी के मौसम में दोपहर के वक्त आपने ये रेसिपी बनानी है। साथ में आपने चाटी की ठंडी ठार लस्सी और साथ में जनाब सलाद और अचार का इस्तेमाल करना है। फिर देखिएगा आपको दोपहर के खाने के नज़ारे कैसे आते हैं। अब जनाब इसमें बहुत थोड़े से मसाले शामिल करेंगे, कोई मसालों की भरमार नहीं करेंगे, सिंपल से मसाले शामिल करेंगे। काली मिर्च,
जस्ट खुशबू के लिए, टेस्ट के लिए, फ्लेवर के लिए सिर्फ आधा खाने का चम्मच, सिर्फ एक चुटकी यहाँ पे हल्दी पाउडर, और साथ में जनाब खुशबूदार करने के लिए, इसको स्पेशल टच देने के लिए इसमें शामिल कर दिया है मैंने सिर्फ आधा चम्मच जीरे का। ले जनाब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कलर तो चेक करें, सुभान अल्लाह। मेरी वीडियो देखते देखते मेरे प्यारे बहन भाई, प्यारे व्यूवर्स यहाँ तक आ ही गए ना जनाब, तो जल्दी से इमरान उमर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को प्रेस भी कर दें, और जी जनाब फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर के साथ शेयर भी कर दें। क्यों ना इसकी ग्रेवी को मजीद थोड़ा सा मजेदार बनाया जाए, इसमें मैं शामिल करूंगा यहाँ पे स्पेशल दही। दही स्पेशल क्यों है जनाब, चेक करें माशाल्लाह कितना जबरदस्त और थिक जमा हुआ है यहाँ पे। अब आग का फ्लेम आपने थोड़ा सा लो कर देना है ताकि दही हमारा अच्छी तरह से पक जाए और दही फुटियां भी ना बने। तेज फ्लेम पे अगर इसको पकाएंगे ना जनाब तो ये फुटियां बन जाएगा और आपकी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। फिर आप मुझे कमेंट करेंगे कि इमरान भाई तुसी ते क्या सी, कमाल हो जाएगा पर ऐते धमाल हो गया। बिल्कुल भी आपने इसको हाई फ्लेम पे कभी भी दही को नहीं पकाना। आप जनाब इसको खुशबूदार करने के लिए, पड़ोसियों को मनाने के लिए, पड़ोसियों को अपने घर दावत पे बुलाने के लिए जनाब इसमें शामिल कर देते हैं, ये है मेरे पास कसूरी मेथी। जस्ट एक टीस्पून आपने अच्छी तरह से मसल के शामिल कर देना है और फिर कमाल देखना है जनाब। पिछले मोहल्ले वाली नाराज पड़ोसन भी आपसे इस आलूओं की रेसिपी पूछने ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में आपने लाजमी बताना है। चेक करें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलें जी मजीद इसको पका लेते हैं ताकि दही का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। चलें जी माशाल्लाह जो खुशबू आई है ना, यकीन करें आपको मैं बता नहीं सकता। आप वीडियो में एक दफा अच्छी सी प्यारी सी भीनी भीनी सी खुशबू को महसूस करें, यकीन करें आपको वीडियो देखते ही मजा आ जाएगा। चेक करें हमारे जबरदस्त यहाँ पे बेबी पोटैटो बनके तैयार हो गए हैं। अब इसको कलरफुल बनाने के लिए एंड पे जनाब आपने इसमें थोड़ा सा पुदीना और सब्ज मिर्च शामिल कर दी है। इसके साथ ही जो मजादार सा फ्लेवर आना है ना, जो फ्रेशनेस आपको फील होनी ना, आप सारा दिन फ्रेश रहेंगे और मुझे दुआएं देंगे इंशाल्लाह ताला। तो चलें जी ये मजेदार सी रेसिपी बनके तैयार है, सिर्फ 10 मिनट में आपने ये मजेदार सी रेसिपी बना ली है। अब जल्दी से गर्मा गर्म तंदूर की रोटी लगवाएं और इंजॉय करें ये मजेदार बेबी पोटैटो की रेसिपी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। पसंद भी कैसे ना आए जनाब, सिर्फ 30 रुपए में आपके भाई ने आपके लिए आज कमाल कर दिया। वीडियो अच्छी लगे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर के साथ शेयर कर दें। कल फिर मिलेंगे नई और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक इमरान उमर को दीजिएगा इजाजत, ढेर सारा प्यार, दुआओं में रखिएगा याद, खुदा हाफिज़।